आदि पुरुष आदि से जिन आदि सुविधि कर सार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तों, आदि पुरुष आदि से जिन देव श्री ऋषभ देव की स्तुति को मानतुंग आचार्य ने संस्कृत में भक्तांबर स्तोत्र के रूप में निबद्ध किया, जिसका पाठ श्वेतांबर एवं दिगंबर सभी संप्रदायों के द्वारा समान रूप से किया जाता है। इसी भक्तांबर स्तोत्र का हिंदी पाठानुवाद सरल भाषा में श्री तिलक दर्जी शास्त्री द्वारा किया गया। भक्ति पूर्वक उनकी अनुमति लेकर ही उनके द्वारा रचित गद्यानुवाद इस कैसेट में मूल संस्कृत पाठ के साथ रिकॉर्ड कराया गया है। आशा है आप इस प्रयास को अवश्य पसंद करेंगे। भक्तांबर स्तोत्र की रचना से संबंधित जो कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है। मालवा प्रांत की धारा नगरी के राजा भोज का एक बड़ा बुद्धिमान जिनेश्वर भक्त मती सागर नाम का मंत्री था। एक बार कालिदास भार्गवी और माघ नामक विद्वानों ने राजा से कहा, हे राजन, आजकल आपके राज्य में दिगंबर जैन साधु बढ़ते जा रहे हैं। ये साधु ज्ञान भ्रष्ट और नितांत मलिन हैं। यदि वे कुछ साधना रखते हैं तो उन्हें कोई हमारे जैसा चमत्कार दिखलाना चाहिए। यह कहकर कालिदास ने अपने हाथ पैर काट कर उन्हें पुनः भगवती काली द्वारा प्राप्त सिद्धि से जोड़ लिया। भार्गवी ने अंबिका की आराधना के द्वारा अपने को भगवोदर रोग से मुक्त किया और माघ नामक कवि ने सूर्य की उपासना द्वारा अपने को कोर से मुक्त कर लिया। महाराज ने मति सागर से कहा कि आप भी अपने गुरुओं का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए मेरे सामने उपस्थित करो। मति सागर ने निवेदन किया कि हे महाराज, हमारे गुरु आत्म कल्याण में लीन सब जीवों पर दया करते हुए मंत्र तंत्र आदि से दूर रहते हैं, फिर भी यदि किसी समय उन्हें यहाँ लाने का प्रयास करूंगा। कुछ दिनों बाद वहाँ मानुकुंगाचार्य पधारे और मति सागर ने उनके समक्ष कालिदास आदि के चमत्कारों की बात एवं राजा के भाव कहकर उनसे दरबार में पधारने की प्रार्थना की। दरबार में पहुंचने पर राजा ने श्री मानुकुंग जी को 44 जंजीरों से बांधकर एक चौमंजिले महल में बंद करवाकर उसके सब किवाड़ों पर सीलबंद ताले लगवा दिए। रात्रि में श्री मानुकुंग जी ने भक्तांबर की रचना आरंभ की। प्रत्येक श्लोक के उच्चारण के साथ श्रृंखलाएं टूटती गईं और दरवाजे खुलते गए। प्रातः केवल हाथों में हथकड़ियां पहने हुए दरबार में आ गए और भोज से कहा, अपने पंडितों से कहें कि वे मंत्र बल से मुझे इस लोह श्रृंखला से मुक्त कर दें। पंडित ऐसा न कर सके। अंत में मुनिराज ने अपने स्तोत्र का अंतिम श्लोक पढ़ा और बंधन टूट गए। राजा प्रभावित हुआ और उसने उनसे श्रावक दीक्षा ग्रहण की। इसी भक्तांबर स्तोत्र का पाठ अब आपके सम्मुख इस कैसेट के रूप में प्रस्तुत है। भगवान आदिनाथ के जो चरण भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए देवों के मुकुटों में जड़ी ही मणियों को प्रकाशित किया करते हैं, जिन चरणों के प्रकाश से पापों का अंधकार छट जाता है, जो चरण संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए युगारंभ से ही आलंबन रूप रहे हैं, भगवान श्रीनाथ के उन चरणों में नमस्कार करके मैं उनका गुणगान करूँगा। संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अत्यंत चतुर बुद्धि के द्वारा
थी। अंतरिक्ष करने वाले विशाल स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति किया करते हैं, आज मैं भी उन्हीं जिनेन्द्र भगवान ऋषभ देव की स्तुति करने का प्रयास करूंगा। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। क्या बिना पिबुदा चित पाद पीता तो तुम समो जतम तिर्गतात्रोम बलम विहाय जल सांदु बिंब मन्या कई चत जना सहता गई तुम। हे देवताओं द्वारा पूजित सिंहासन पर विराजमान प्रभु, मैं कैसा निर्लज्ज हूँ कि स्तुति गान का ज्ञान न होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक भी है, जल में प्रतिबिंबित चंद्र को बच्चे ही पकड़ने का प्रयास किया करते हैं, बड़े नहीं। जैसे बच्चा चंद्र को पकड़ने के असंभव कार्य में भी प्रवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार अपनी बाल बुद्धि के कारण मैं भी स्तुति गान के प्रयास का साहस कर बैठा हूँ। हे अनंत गुणों के सागर प्रभु, चाहे कोई व्यक्ति देव गुरु बृहस्पति के समान ही क्यों न हो, फिर भी वह आपके चंद्र के समान निर्मल अनंत गुणों का वर्णन कैसे कर सकता है। प्रलय काल की आंधियों से व्याकुल मगरमच्छ जिसमें उछल रहे हो, ऐसे महासमुद्र को ऐसा कौन है जो भुजाओं की शक्ति के सहारे तैर कर पार कर सके। अर्थात हे प्रभु, जैसे भीषण जल जंतुओं से युक्त प्रलय काल के समुद्र को तैरकर पार करना असंभव कार्य है, उसी प्रकार आपके गुणों का गान भी पूर्ण असंभव ही है। हे मुनीश्वर, यद्यपि मेरे पास आपके अनंत गुणों का गान करने की शक्ति नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति से प्रेरित होकर आपका गुणगान कर रहा हूँ। प्रभो, अपने शिशु को बचाने के लिए बेचारी दीन हीन हिरनी प्रेम के वश में होकर अपनी शक्ति का अनुमान लगाए बिना ही क्या शेर का मुकाबला करने के लिए डट नहीं जाती है, अर्थात डट जाती है। भक्ति से प्रेरित होकर ही मेरी बुद्धि अशक्त होते हुए भी आपके गुणों का गान करने के लिए डट गई है। हे नाथ, यद्यपि मैं शास्त्र ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ, विद्वानों के परिहास का पात्र हूँ, आपकी स्तुति में असमर्थ हूँ, फिर भी आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती स्तुति का गान करने के लिए प्रेरित कर रही है। सारा संसार जानता है कि बसंत ऋतु में आम के वृक्ष पर आने वाली मंजरियों का रस पीते ही कोयल अपने आप बोल उठती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति मेरी वाणी को भी मुखरित कर रही है। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य की किरणें भ्रमरों की उमड़ती हुई टोलियों के समान सारे संसार पर छाए हुए रात्रि के गहन अंधकार को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर देती हैं, उसी प्रकार आपकी स्तुति का प्रत्येक शब्द जन जन्मांतरों से
कर्म जाल में बधे हुए संसारी जीवों के संपूर्ण पापों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। फिर मेरे पाप ताप नष्ट क्यों न होंगे, अवश्य होंगे। हे नाथ, मैंने यही निश्चय करके आपकी स्तुति का गान आरंभ कर दिया है कि मेरी तुच्छ बुद्धि के द्वारा निर्मित होकर भी यह स्तुति आपके कृपा कटाक्ष के प्रभाव से सज्जनों के मन के लिए मोहक बन जाएगी। यह सभी जानते हैं कि ओस की तुच्छ बूंद कमल पत्र का साथ पाकर मोती जैसी शोभा को प्राप्त कर लेती है। आपके प्रभाव से मेरे द्वारा की गई स्तुति भी विद्वानों के लिए यदि समादरणीय बन जाएगी तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गिरेंद्र, सांसारिक प्राणियों के समस्त पाप तापों को दूर करने वाली आपकी स्तुति की महिमा की तो बात ही जाने दीजिए, जबकि आपके नाम का उच्चारण मात्र ही जगत के संपूर्ण पापों को दूर कर देता है। सूर्य देव तो दूर ही बैठे रहते हैं, उनकी किरणें ही पृथ्वी पर पहुंचकर सरोवर के मुरझाए कमलों को विकसित कर दिया करती है। संपूर्ण लोगों को शोभाशाली बनाने वाले लोग, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके गुणों का दान करने वाले प्राणी इस पृथ्वी पर उत्तम पद प्राप्त करके आपके ही समान विश्व वंद्य बन जाते हैं। जो वैभवशाली स्वामी अपने सेवक को भी अपने समान वैभव संपन्न में बना दे, भला उसका स्वामित्व किस काम का हो सकता है। हे अनुपम सौंदर्य के सागर स्वामिन, जब किसी भक्त की आंखें आपके दर्शनीय रूप को एक तक देख लेती हैं, तो फिर उन आंखों को दुनिया का कोई भी सौंदर्य संतुष्ट नहीं कर सकता है। भला चंद्र की चांदनी जैसे उज्जवल क्षीर सिंधु के मधुर दुग्ध का पान करने के अनंतर खारे समुद्र के खारे पानी को कौन पीना चाहेगा। तीनों लोकों में अपने सौंदर्य की समता न रखने वाले हे प्रभु, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि शांत भाव की जागृति में सहायक कांति वाले जिन परमाणुओं के द्वारा आपके अनुपम शरीर का निर्माण हुआ है, वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही थे जितनों के द्वारा आपके शरीर का निर्माण हो सका, अधिक नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप जैसा अन्य रूप आज तक दृष्टिगोचर हो ही नहीं सका। Mangalam Kamalinam Pavanyakarasya Yadvam।
हे सौंदर्य सिंधु, देवताओं, मनुष्यों और नाग कुमारों के नेत्रों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले एवं तीनों लोकों के सुंदर से सुंदर उपमानों को अपने सौंदर्य के समक्ष पराजित करने वाले आप के सुंदरतम मुख की क्षमता के योग्य बेचारा चांद कहाँ हो सकता है। वह तो कलंक से युक्त है और दिन में ढाक के सूखे पीले पत्ते के समान पीला पड़कर निस्तेज हो जाता है, जबकि आपका मुखमंडल रात दिन एक जैसा चमकता रहता है। हे जगदीश्वर, पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की किरणों के समान आपके उज्ज्वल गुण तीनों लोकों में ही नहीं उनकी सीमाओं को भी लांघ कर सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं। हो भी क्यों न, जबकि उन गुणों को विश्व के एकमात्र स्वामी आप जैसे प्रभु का आश्रय प्राप्त हो चुका है। यही कारण है उनको सर्वत्र व्याप्त होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। हे संयमेश्वर, स्वर्गीय देवांगनाएं एवं विलासों एवं कटाक्षों के द्वारा आपके पावन मानस को एक बार भी एक क्षण के लिए भी विकार मार्ग पर न ले जा सकी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पर्वतों को भी कंपित कर देने वाले प्रलय काल के तूफान क्या कभी सुमेरु शिखर को भी कंपित कर सके हैं। सर्वज्ञेश्वर, आप वे अलौकिक दीपक हैं जो तीनों लोगों को प्रकाशित किया करता है, परंतु जिसमें न तेल की आवश्यकता है और न बत्ती की, तथा जिसकी ज्योति से धुआं भी नहीं निकलता है। पर्वतों को कंपित कर देने वाले वायुवेग भी जिसकी ज्योति को बुझा नहीं सकते हैं और जिसका प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। मुनीन्द्र, आप तो सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं, क्योंकि सूर्य तो अस्त भी होता है पर आपका प्रकाश तो सर्वदा एक सा रहता है। सूर्य को राहु ग्रस लेता है, परंतु आपको कोई विकार रूपी राहु ग्रस नहीं सकता। सूर्य तो केवल दिन में ही प्रकाश देता है और पृथ्वी के कुछ भाग को ही प्रकाशित करता है, पर आप सर्वदा एक साथ तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य को बादल आच्छन्न कर लेते हैं, परंतु कालुष्य के बादल तो आपके पास कभी नहीं आ पाते। अतः सूर्य भी आपकी क्षमता के योग्य नहीं है। हे ज्योतिर्मय देव, आपका मुख ऐसा कमल है जो अनंत सौंदर्य से परिपूर्ण है, अथवा आपका मुख समस्त संसार को प्रकाशित करते हुए सुशोभित होने वाला ऐसा चंद्रबिंब है जो रात दिन समान रूप से प्रकाशित रहता है, जो मोह रूपी गहन अंधकार को नष्ट करने वाला है, जिसे विकारों के राहु की छाया कभी छू नहीं पाती है और जिसे वासनाओं के मेघ कभी ढक नहीं सकते हैं।
हे ज्योतिर्मय देव, जबकि आपके मुख चंद्र के प्रकाश से ही समस्त विश्व का अंधकार नष्ट हो रहा है, फिर रात्रि में चंद्र की और दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता हो सकती है। अतः आपके होते हुए ये दोनों व्यर्थ ही हैं, जबकि सारी धरती पीले पीले पके धानों के खेतों से परिपूर्ण होकर लहरा रही हो, भला तब जल से भरे हुए एवं धरती की ओर झुके हुए बादलों की क्या आवश्यकता हो सकती है। हे सर्वज्ञेश्वर, जो अनंत ज्ञान राशि आप में सुशोभित हो रही है, वह देवों के नायक विष्णु और शिवादि देवों के पास भी नहीं हो सकती। भला जो महत्वपूर्ण तेज मणियों में होता है, वह सूर्य की किरणों को पाकर चमकते हुए कांच के टुकड़ों में कहाँ हो सकता है। नाथ, मैं आपके दर्शनों की अपेक्षा शंकर एवं विष्णु आदि देवों के दर्शन को विशेष मानता हूँ, क्योंकि उनके दर्शनों से असंतुष्ट मेरे हृदय को आपके दर्शन होने पर संतोष प्राप्त हो जाता है। प्रभो, भला आपके दर्शनों से हमें क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके दर्शन करने के अनंतर इस जन्म में तो क्या अन्य जन्मों में भी किसी देव दर्शन का आकर्षण मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। हे मुनीश्वर, इस संसार में ऐसी सैकड़ों माताएं हैं जो सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया करती हैं, किंतु आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली अन्य माता आज तक दृष्टिगोचर ही नहीं हुई। ठीक भी है, दैदीप्यमान किरण समूह वाले सूर्य को जन्म देने वाली तो एक पूर्व दिशा ही है, शेष सभी दिशाएं तो टिमटिमाते तारों को ही जन्म दिया करती हैं। फिर सूर्य से भी तेजस्वी आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता भी एक ही हो सकती है, अनेक नहीं। हे मुनींद्र, क्योंकि आप सूर्य के समान तेजोमय हैं, राग द्वेषादि मलों से रहित हैं और अज्ञात अंधकार की सीमाओं से परे हैं, अतः समस्त मुनिवृंद आपको परम पुरुष मानता है। प्रभो, आपकी ही शरण में आकर जीव मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, मृत्युंजय बन जाता है, और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आपकी भक्ति के बिना शिव मार्ग अर्थात मोक्ष पथ का कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। हे सर्वेश्वर, संसार के सभी संतों का यह कथन है कि आप अविनाशी हैं, सर्वव्यापक हैं, मनुष्य की चिंतन सीमाओं से परे हैं, अनंत एवं अनादि हैं। आप पर ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं और काम वृत्तियों को नष्ट करने वाले धूम केतु हैं। आप योगियों के अधिष्ठाता हैं, ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की साधना के पूर्ण ज्ञाता हैं।
एक होकर भी अनेक भक्तों के हृदय में अत्यंत निर्मल रूप में निवास करते हैं। हे देव पूज्य प्रभु, आप बुद्ध हो क्योंकि आपकी ज्ञान शक्तियाँ सर्वदा प्रबुद्ध रहती हैं। तीनों लोकों का कल्याण करने वाले होने के कारण आप ही शंकर हो। हे धैर्य के साकार रूप प्रभु, आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप कल्याण मार्ग के उपदेशता हो, अतः आप ही धाता हो, ब्रह्मा हो। सभी पुरुषों में उत्तम होने के कारण आप ही पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु हो। तुभ्यं नमः त्रिभुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः त्रितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतापरमेश्वराय, तुभ्यं नमो दीनभवो दधिशोषणाय। हे तीनों लोकों के दुखों का हरण करने वाले नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे समस्त संसार की शोभा बढ़ाने वाले प्रभु, मेरा वंदन स्वीकार कीजिए। हे तीनों लोकों के परमेश्वर, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे संसार सागर के राज द्वेषादी मनों का शोषण करने वाले जिनेश्वर, मेरा शत शत वंदन स्वीकार कीजिए। विश्व के समस्त सद्गुणों ने यदि आपका ही आश्रय पाया है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्रयणी का ही तो आश्रय लिया जाता है। आपके द्वारा निकाले गए समस्त दोषों को अन्यत्र आश्रय मिल जाने से उन्हें अहंकार हो गया है। यही कारण है कि वे अब कभी स्वप्न में भी आपकी ओर नहीं देखते हैं। हे महामहिमाशालिन, आपका अनुपम सौंदर्यशाली शरीर अपने तपस तेज की किरणों को ऊपर की ओर फैलाता हुआ अशोक वृक्ष के नीचे इस प्रकार सुशोभित हो रहा है, जैसे अपनी दैदीप्यमान किरणों से तम समूह को नष्ट करता हुआ उदीयमान सूर्य बादलों के पास शोभा पाया करता है। तेजस्विन अपनी जगमगाती दिव्य किरणों को चारों ओर फैलाता हुआ उदीयमान सूर्य जिस प्रकार उदयाचल के शिखर पर सुशोभित होता है, उसी प्रकार जगमगाते रत्नों की चमक को चारों ओर फैलाते हुए रत्न जटित सिंहासन पर आपका स्वर्ण सदृश सुंदर शरीर सुशोभित हो रहा है। प्रभु,
उदय होते हुए चंद्र की चांदनी के समान दूधिया जल वाले झरनों की गिरती चंचल श्वेत जल धाराओं के बीच सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखर की जो शोभा होती है उससे भी अधिक सुशोभित हो रहा है आपका स्वर्ण कांति वाला शरीर, जिसके दोनों ओर समव शरण में आए हुए इंद्र आदि देव कुंद पुष्प के समान श्वेत सुंदर चमर दुला रहे हैं। हे नाथ, आपके मस्तक पर एक के ऊपर एक के क्रम से सुशोभित हुए चंद्रमंडल जैसे एवं मोतियों की सुंदर झालरों वाले तीन छत्र सूर्य के प्रभाव को रोकते हुए मानो यह घोषणा कर रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे परमेश्वर, अपनी गंभीर एवं उच्च मधुर ध्वनियों से समस्त दिशाओं को प्रतिध्वनित कर आपके समव शरण के समय आकाश में बज रही दुंदुभी समस्त संसार को कल्याण का संदेश देती हुई तथा आपके यश को सर्वत्र फैलाती हुई मानव यह घोषणा कर रही है कि भगवान ऋषभ देव ही सच्चे धर्मराज हैं, क्योंकि वे संसार के लिए धर्म का पथ प्रशस्त किया करते हैं। हे प्रभु, आपके समव शरण में देवगण आकाश से सुंदर मंदार, नमेरु, पारिजात और संतानक आदि स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। सुगंधित जल की बूंदों से युक्त पवन के झोंकों के साथ बरसने वाली यह पुष्प वर्षा ऐसी प्रतीत होती है मानो आपकी वचनावली ही चारों ओर बरस रही हो। हे प्रभु, आपके मुखारविंद के चारों ओर फैले प्रभा मंडल की दिव्य ज्योति तीनों ही लोकों के ज्योतिर्मयों की ज्योति को तिरस्कृत कर रही है। हे देव, यद्यपि आपके मुख के चारों ओर फैला प्रभा मंडल अगणित सूर्यों के समान दैदीप्यमान है, फिर भी वह अपनी शीतल कांति से पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की शीतलता को भी परास्त कर रहा है। जगदीश्वर, आपकी दिव्य वाणी स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए कारी मित्र के समान है। तीनों लोकों को सच्चे धर्म एवं सत्वस्तुओं का ज्ञान कराने में अत्यंत चतुर है। सभी भाषाओं में परिणत होने का उसमें अद्भुत सामर्थ्य है और उसके विशद अर्थ प्रकट करने के गुण का तो कहना ही क्या है।
जिनेन्द्र, आपके चरण युगल खिले हुए नवीन सुनहरी कमलों के समान दीप्यमान हैं और वे चमकते हुए चरण लखों की कांति किरणों से अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु, आपके पवित्र चरण जहाँ पर भी पड़ते हैं वहाँ देवता लोग पहले ही कमल बिछा दिया करते हैं। धर्मेंद्र, धर्मोपदेश देते समय आपके समव चरण में जो वैभव होता है वह सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले किसी अन्य देवता के पास कभी नहीं हो सकता। भला अंधकार को ध्वस्त करने वाले सूर्य के पास जो दिव्य प्रकाश है वह आकाश में चमकते हुए अन्य तारों के पास कैसे हो सकता है। देव, गंडस्थल से बहती मध्य धाराओं पर मंडराते चंचल भौरों की गूंज के कारण क्रोध में भरा हुआ और स्वर्गीय ऐरावत हाथी के समान विशाल देह वाला मदमस्त हाथी भी यदि आपके भक्त पर आक्रमण कर दे तो आपके चरण कमलों के आश्रय में रहने वाला भक्त उससे भी भयभीत नहीं हो सकता। प्रभु, जिस सिंह ने बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के गंडस्थलों को फाड़कर उनके खून से रंगे गज मोतियों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित कर दिया हो वह सिंह भी यदि आपके चरणों का आश्रय लेकर रहने वाले भक्त पर चौबड़ी भरते हुए आक्रमण कर दे और आपका भक्त उसके पैरों के नीचे ही क्यों न आ जाए फिर भी वह सिंह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हे भक्त रक्षक, प्रलय काल में चलती हुई आंधियों से निरंतर बढ़ती हुई आकाश में दूर दूर तक अपनी चिंगारियां उड़ाती हुई समग्र विश्व को मार डालने की इच्छा से तीव्र गति से बढ़ती हुई दावानल को भी आपके नाम का पुण्य स्मरण रूपी जल शांत कर देता है। नाथ, जिस विषधर सर्प की आंखें अत्यंत लाल हो, जो बसंती मस्ती में मस्त कोयल के कंठ जैसा काला हो, जो फण उठा उठाकर डसने को आ रहा हो, ऐसे विषधर सर्प की पीठ पर खड़ा होकर भी आपका वह भक्त कभी भयभीत नहीं हो सकता जिसके हृदय में ऋषभ नाम की नागदमनी बूटी विद्यमान हो। नार समय वा सुविधा
देव, जिस युद्ध भूमि में घोड़े हिनहिना रहे हो, हाथी चिंगार रहे हो, भटों की भयंकर हुंकारें हो रही हो, तथा जो सेना अत्यंत प्रबल शत्रु राजा की हो, ऐसे महायुद्ध में आपके नाम मात्र का स्मरण करने से वह प्रबल सेना उसी प्रकार भाग जाती है जिस प्रकार उदय होते हुए सूर्य की किरणों से चारों ओर फैला हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है। हे ज्योतिर्मय देव, आपके वे भक्त जो आपके चरण कमलों के आश्रय रूप वन में पहुंच जाया करते हैं, वे भालों की नोकों से घायल, हाथियों के शरीर से निकलते एवं तीव्र गति से प्रवाहित होते हुए खून की नदियों को पार करने के लिए आतुर वीर जहां गर्ज रहे हो, ऐसे भयंकर युद्धों में भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हे तारणहार प्रभु, जिस समुद्र में चारों ओर भयंकर मगरमच्छ और पाठीन एवं पीठ नामक विशालकाय मच्छ तैर रहे हो, जिसमें वडवानल की भयंकर लपटें उठ रही हो, ऐसे समुद्र की उत्ताल तरंगों पर जिनकी नौकाएं तैर रही हो, ऐसी भयंकर स्थिति में भी आपके नाम का स्मरण करने वाले भक्तों की नौकाएं समुद्र को पार कर जाती हैं। प्रभु, जिस व्यक्ति का भयंकर जलोदर रोग से सारा शरीर छींक चुका हो, जो जीवन की आशा से हाथ धो बैठा हो, यदि ऐसा असाध्य रोगी भी अमृत जैसी आपकी चरण रज को अपने शरीर पर लगा ले, तो वह कामदेव के समान सुंदर शरीर प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। हे सर्वेश्वर, जिन व्यक्तियों का अंग अंग जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, जिनकी जंघाएं मोटी मोटी बेड़ियों से बुरी तरह छिल गई हो, ऐसे जेलों में पड़े व्यक्ति भी यदि आपके नाम रूप मंत्र का निश्चिन स्मरण करने लग जाते हैं, तो वे भी शीघ्र ही सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हे नाथ, जो बुद्धिमान व्यक्ति आपके इस स्तोत्र का पाठ करेगा, मेरा निश्चय है कि वह मस्त हाथियों के, शेरों के, दावा नल के, विषधर सर्पों के, भयंकर युद्धों के, विशाल समुद्रों के, जलोदर आदि रोगों के और कारागारों के भय से